हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड करके उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि रैम अपग्रेड कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लैपटॉप के लिए सपोर्टेड रैम बाय कर सकते हैं, कैसे उसे अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर सकते हैं और इसका क्या फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो रैम है कुछ इस प्रकार के बॉक्स में पैक आती है। हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये जो रैम है PC3 यानी DDR3 की रैम है। दोस्तों, आपको जो है अपने लैपटॉप का मॉडल इंटरनेट पर डालकर सर्च कर लेना है कि आपका जो लैपटॉप है वो कौन सी रैम सपोर्ट करता है, DDR3 या DDR4। मेरा लैपटॉप DDR3 की रैम सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने PC3 रैम खरीदी है। दोस्तों, मेरा ये जो लैपटॉप है डेल लेटीट्यूड E7440 है, इसमें हम रैम अपग्रेड करेंगे। दोस्तों, पहले मैं इस लैपटॉप के अबाउट में जाकर आपको दिखा देता हूं कि इसमें अभी कितनी रैम है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें अभी 4GB की रैम है। हम इसमें 4GB रैम और लगाने वाले हैं, तो जैसे ही हम रैम इंसर्ट करके लैपटॉप के अबाउट में आएंगे तो यहां हमें 8GB रैम दिखाई देगी। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं रैम अपग्रेडेशन प्रोसेस को। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने PC को पावर ऑफ कर लेना है। अब दोस्तों, इसे उल्टा रख देते हैं और बैटरी को रिमूव कर देते हैं। बैटरी रिमूव करने के लिए हमें पहले ये जो बटन है इसे पुश करना है और धीरे से बैटरी को बाहर की ओर खींच लेना है। इस प्रकार हम बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमें इस बैक पैनल को ओपन करना है। इसके लिए इस मॉडल के लैपटॉप में 2 स्क्रूज खोलने पड़ते हैं, लेकिन मेरे लैपटॉप में एक पहले से ही खुला है, तो मैं एक और को खोल लेता हूँ। स्क्रू खोलने के बाद हमें इस पैनल को हल्का सा पुश करके नीचे की ओर स्लाइड करना है, इससे हमारे लैपटॉप का बैक पैनल खुल जाएगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये RVX की SSD है, जो कि मैंने कुछ ही महीने पहले हार्ड डिस्क ड्राइव को हटाकर लगवाई है। अब यहाँ जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, रैम के 2 स्लॉट्स हैं। एक स्लॉट में पहले से ही 4GB रैम लगी हुई है और दूसरा स्लॉट खाली है। हमें खाली वाले स्लॉट में नई रैम इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने से पहले हमें रैम में कुछ इस प्रकार का कट चेक कर लेना है और हमारे सॉकेट में भी हमें ये चीज़ चेक कर लेनी है। अब रैम इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। रैम को पहले तो हमें सॉकेट में अंदर लगा देनी है। लगाने के बाद रैम को दबा देना है। दबाते ही हमारी जो रैम है दोनों क्लिप में फंस जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो रैम है हमारे लैपटॉप में इंसर्ट हो गई है। अब हमें अपने लैपटॉप का बैक पैनल कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर स्लाइड करके लगा देना है और जो स्क्रू है उसे भी लगाकर टाइट कर देना है। अब हमें बैटरी को भी इस प्रकार लगाकर हल्की सी दबा देना है ताकि ये भी अच्छे से लग जाए। सब कुछ अच्छे से लगाने के बाद हमें अपने लैपटॉप को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद उसे पावर ऑन करना है। मैं भी इसे पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन होते ही यहाँ जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक अलर्ट आ रहा है, द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज चेंज्ड। ये हमने रैम बदली है इसीलिए आ रहा है। यहाँ हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए F1 की प्रेस करने की बोला गया है, इसलिए हम F1 की प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते ही हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा डिवाइस स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं इसके अबाउट में और वहां देखते हैं कि हमें कितनी रैम देखने को मिलती है। यहां जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो रैम है 8GB हो गई है, मतलब हमने जो है सक्सेसफुली हमारे डिवाइस में रैम अपग्रेड कर लिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि रैम अपग्रेड का फायदा क्या है। इसका जो फायदा है वो ये है कि हमारे लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बढ़ जाती है। जब हम मल्टीटास्किंग या एडिटिंग वगैरह करते हैं तो वो हमें काफी स्मूथ देखने को मिलती है, मतलब लैग फ्री परफॉर्मेंस जो हमें रैम अपग्रेड के बाद मिल जाती है। स्पीड की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो जो है प्रोसेसर और रोम पर डिपेंड करती है। स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम अपने लैपटॉप में HDD की जगह SSD लगा सकते हैं। SSD लगाने से हमारे लैपटॉप की जो स्पीड है वो 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। वैसे इस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है और उसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों जो प्राइसिंग है वो 4GB रैम की 1200 से लेकर 1500 रुपये तक आती है और जो 8GB रैम की प्राइसिंग है वो 1700 से लेकर 2000 रुपये के आसपास रहती है। दोस्तों वैसे खरीदने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं।
इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने लैपटॉप में सक्सेसफुली रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए अपने भाई के चैनल VL टेक्निकल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।